मैं लेके आया हूँ तकरीबन 4 बजीज, और 2 पेयर एक है और 2 जो है ना वो एक अलग पेयर है। ये रिंग एक निकाल दी है रेड वाले ने, दूसरे मुर्गे ने, ये अभी भी निकाल रहा है उसको। गाइस वेलकम टू द ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और फिलहाल ये है कि मैंने स्टोर रूम ओपन किया है, अब स्टोर रूम से बाहर निकालना है और इनको फीड वगैरह डालनी है, और उसके बाद इनको बाहर सेन में थोड़ी देर छोड़ूंगा। तो इनके लिए वैसे दाना वगैरह मैं आज लेके आया हुआ था, तो अभी इनको डाल दिए क्योंकि सुबह से ये स्टोर रूम के अंदर ही बंद थे। तो अभी और ये फीड वगैरह फिनिश करें, तो पानी इनको साफ ले गया आके मैं डालता हूँ उसमें। और उसके बाद ये कि हम कुछ ले गए हैं बजीज, तो उनको भी केज के अंदर मैंने एंटर किया है, तो अभी फ़िलहाल उनको निकालते हैं बाहर। उनके लिए भी फीड वगैरह के बर्तन वगैरह रखता हूँ मैं। 2 वैसे मैं ले के आऊँ ये टोकरियाँ से मुर्गे वगैरह बंद करने के लिए, तो ये अभी 2 आ गई हैं। तो फिलहाल ये है कि ये फीड वगैरह करें, तो फिर इनको ये है कि एक पेयर को ना इसके अंदर बंद कर देंगे। मुर्गे दोनों स्टोर रूम के अंदर ही हैं और ये कर रहे हैं फीड, मुर्गी चली गई बाहर, और ये 2 टोकरियाँ जो हैं तो ये इनके अंदर वैसे मुर्गे बंद करने के लिए मैं ले के आऊँ। तो एक पेयर एक में कर दिया करेंगे, एक मुर्गा है क्योंकि बाहर लगी हुई है सब्ज़ी वगैरह, तो ये ज़्यादातर ना वो उसमें जाते हैं सब्ज़ी वगैरह निकाल रहे होते हैं, तो इसलिए इनको बंद करने के लिए ये मैं ले आऊँ। मैं ले के आया हूँ तकरीबन 4 बजीज, और 2 पेयर एक है और 2 जो है ना वो एक अलग पेयर है, और ये 4 बजीज लें हैं। और इनकी जो मटके वगैरह वो घर में पड़े हुए हैं गेज के, वो ले कर आने हैं और इनको रखने के लिए। फिलहाल इनके लिए बर्तन वगैरह ढूंढता हूँ ताकि इनको पानी और बाजरा वगैरह डालूँ, और इनको मैं करता हूँ स्टोर रूम के अंदर रखता हूँ, तो बाद में इनको बाजरा वगैरह डाल के फिर इनके गेज की करेंगे सेटिंग। तो ये अभी स्टोर रूम के अंदर आ गए और मुर्गे अभी कर रहे हैं फीड, गेज में ले आए स्टोर रूम के अंदर, और इनकी ये अभी सेटिंग वगैरह यहाँ पर ही करते हैं ताकि ये पक्के यहीं पर इनका गेज रहेगा, इनको फिर इधर उधर नहीं लेके जाएंगे। और वैसे 2 बजीज जो हैं ये इनको कुछ और ही कहते हैं, इनका नेम मुझे नहीं पता, एक तो सिंपल वाले हैं एक थोड़े से ये फ्लावर्स वाले हैं। तो अभी तक फीड वगैरह नहीं डाली हुई है, बाजरा वगैरह नहीं डाला है, बाजरा भी इनका मैं ले के आया हूँ। तो अभी फ़िलहाल इनको बाजरा वगैरह भी रखते हैं और साथ में पानी भी रखते हैं बजीज को। और ये है कि फिर के बर्तन तो कोई मिल नहीं रहा है अभी फ़िलहाल, इस प्याले के अंदर बजीज के लिए बाजरा वगैरह मैंने निकाला है, तो इनको फीड वगैरह करवाऊँ क्योंकि सुबह से मैं आते हुए बाज़ार से ले के आ रहा था, लेकिन ये है कि इनको बाजरा वगैरह नहीं डाला था, 2-3 घंटों से ये बंद थे गेज के अंदर। तो अभी फ़िलहाल इनको बाजरा रखती है, तो अभी ये नीचे आके खा लेंगे। मुर्गे तो फीड फिनिश कर चुके हैं और पानी इन्होंने गिरा दिया है, और ये जो इनके मैं ले के आया हूँ टोकरे से, तो फिलहाल इनको बजीज को रखता हूँ मैं वहाँ पे साइड पे करके वॉल के साथ सेटिंग करके। बाजरा इनको डाल दिया है और पानी इनको रखा हुआ है। जो पेयर हैं वो डिफरेंट हैं, एक दो दूसरे ऑस्ट्रेलियन जो बजीज होते हैं और दूसरा ये जो है इनके। फिलहाल इनको मैंने बाहर छोड़ा हुआ है, तो इनको स्टोर रूम के अंदर इनका करता हूँ गेज की सेटिंग। फिलहाल जो है ना मुर्गों को फीड वगैरह करवा दी है, तो इनको करते हैं बंद, फिर उसके बाद इनकी सेटिंग करता हूँ मैं। फिलहाल यार ये मुर्गा पकड़ा है और इसके पाँव में ये डालते हैं, ये मैं ले के आया हूँ, तो अभी ज़रा इसको ना पकड़ के फिर डालना पड़ेगा, फिर इसको करते हैं इस टोकरे के अंदर बंद। मुर्गे को तो डाले हैं मैंने, वो तो चला गया भाग के बाहर, इसको पकड़ के फिर लाना पड़ेगा, तो इसको अंदर टोकरे के अंदर करते हैं बंद। इस मुर्गे के पाँव के अंदर ये मैंने डाल दिए हैं, ठीक है, और अभी ये है कि इसको भी करते हैं बंद यहाँ पर, और मुर्गी जो है उसको मैंने छोड़ा हुआ ओपन, और इसको भी बंद करके इसको भी डालते हैं फीड यहाँ के टोकरी के अंदर ही, और फिर बजीज का जो है उनका भी केज सेट करते हैं स्टोर रूम के अंदर। दोनों मैंने कर दी अंदर बंद, और एक मुर्गा वहाँ पे कर रहा है फीड और मुर्गी इनके इधर बाहर ही घूम रही है, इसको भी डालते हैं यहाँ पे दाना अंदर, और मुर्गी को फिलहाल ओपन ही छोड़ेंगे, और उसके बाद ये बजीज का केज करते हैं सेट यहाँ पर ला के। ये फीड कर रहे हैं और उसमें रेड वाला वो मुर्गा उसमें कर दिया, मुर्गी फिलहाल मैंने ओपन छोड़ी हुई है, और अभी जो बजीज के ना उनका भी गेज करते हैं सेट यहाँ पे स्टोर रूम के अंदर, और फिर जाते हुए इनको मैं ओपन छोड़ जाऊँगा और बजीज का गेज यहाँ पे सेट कर देते हैं। फिलहाल फीड के लिए अलग अलग मैंने बंद किए हुए हैं। बजीज का गेज रखा हुआ था बाहर, इसको भी अंदर एक जगह पर करता हूँ मैं सेट, ताकि ये एक दफ़ा इनकी सेटिंग कर दें, फिर उसके बाद इनको छोड़ देंगे यहाँ पर। तो बजीज का गेज भी रखती है, रिंग डाल दिए हैं गोल वाले, उसको ब्लू डाले हैं, उसको ब्लैक और एक और कलर का डाला है, और ये 2 रह गए हैं, ये वो दूसरे मुर्गे को जाके डालेंगे घर में,
तो बाकी ये है कि इनको मैंने टोकरियों के अंदर बंद करके फीड डाली, मुर्गी को बाहर और बजीज को वो मैंने केज के अंदर कर दिए, बाजर वगैरह डाल दिए। तो वो भी फिलहाल इनका ये सेटिंग कर दी है, फीड वगैरह फिनिश कर लें फिर इनको टोकरियों के नीचे से निकाल देंगे। और बजीज का गेज भी यहाँ पे सेट कर दिया है, और बजीज के लिए जो उसके अंदर गेज के अंदर लगेंगे मटके वो कल ले गए हैं, घर में पड़े हुए हैं। और ये मुर्गा भी फीड फिनिश करें फिर इनको ओपन छोड़ देते हैं। बाकी पानी इनको रखना है और ला के नया ताज़ा डालना है, क्योंकि कल रोज़ा है फर्स्ट, तो इस वजह से कल लेट ही मैं आऊँगा, इसलिए इनको फीड वगैरह एक्स्ट्रा डाल के मैं यहाँ पर चला जाऊँगा। और बाकी ये बजीज के गेज की थोड़ी बहुत सेटिंग कल करेंगे। ये रिंग एक निकाल दी है रेड वाले ने, दूसरे मुर्गे ने, ये अभी भी निकाल रहा है, इसको कोशिश कर रहा है निकालने की, ये लगा हुआ है इसको। बस न्यू ये चार बजीज ही में लेके आऊँ, काफ़ी चीज़ें मैं सर्च कर रहा था, डक वगैरह और कुछ वो चीज़ें भी देखी हैं, लेकिन कुछ मज़े की नहीं थी। मास्टर गेज बनाएं तो फिर और हम छोटे छोटे बर्ड्स जो ले के आएंगे। तो बाकी ये मुर्गे वगैरह फीड फिनिश कर लेंगे। बाकी ये गिन गोभी गिन के जो टोकरियाँ हैं ये वैसे मैंने बाहर के लिए लेके आऊँ, वैसे अंदर बंद करके इनको मैंने ज़रा फीड वगैरह करवाई है। तो बाकी आज के रिलेटेड ये इतना सा व्लॉग था, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू व्लॉग।